हमारे यहाँ कुल अभी तक 70,000 वैक्सीन आ चुकी है। लंपी वायरस से गौवंश बेहाल, आंकड़ेबाजी के खेल में मदमस्त पशुपालन विभाग। सीएम योगी के फरमान को ठेंगे पर रखता है पशुपालन विभाग का ये अफसर। गौवंशों को लंपी वायरस से बचाने में नाकाम निकम्मे अफसर के झूठ का यूपी न्यूज पर पर्दाफाश। तो जिससे कि अभी मतलब हमारा कंट्रोल्ड है, ऐसी कोई हमारे यहाँ पे जिसको आउटब्रेक या बहुत फैली हुई स्थिति नहीं कही सकते। सुना आपने, ये है योगी सरकार की साख पर बट्टा लगाने वाला पशुपालन विभाग का निकम्मा अफसर अनिल पांडे। वर्तमान में उन्नाव पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर तैनात ये अफसर किस कदर बेलगाम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जहां गौ सेवा करने का संकल्प लेने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार गौवंशियों को लंपी वायरस से बचाने के निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं यूपी की अफसरशाही में निकम्मे अफसरों की फौज का ये सरदार सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी और खोखली बयानबाजी करने में ही व्यस्त है। नतीजा, सड़कों पर लंपी वायरस ग्रसित गौवंशीय पशु तड़पने को मजबूर हैं। और तो और, साहब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर बड़ी ही बेशर्मी से सब कुछ चंगा होने का खोखला दावा कर रहे हैं। जिससे कि अभी मतलब हमारा कंट्रोल्ड है। सड़कों पर आवारा गौवंश, ऊपर से प्रदेश में लंपी वायरस जैसे जानलेवा बीमारी का कहर। ऐसे में पशु चिकित्सा अधिकारी के कुर्सी पर बैठा ऐसा निकम्मा अफसर गौवंशों के लिए किसी यमराज से कम नहीं है। चलिए अब आपको सुनाते हैं किस तरह यूपी न्यूज के कैमरे पर ये निकम्मा अफसर खुद अपनी झूठी आंकड़ेबाजी के खेल में फंस गया। हमने LSD का वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर दिया। अभी फर्स्ट राउंड में हमारे पास में 30,000 आई थी वैक्सीन, तो प्रायोरिटी उसमें हमने गौशाला उनको दी थी, क्योंकि गायों में होता है, इसलिए सबसे पहले हमने गौशालाओं में उसका वैक्सीनेशन का कार्य किया। साथ ही साथ अभी सेकंड राउंड में हमने 40,000 और वैक्सीन मंगा कर। तो सुना आपने, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की कुर्सी पर बैठा अनिल पांडे किस तरह गौशालाओं में बंद गौवंशों को लंपी वायरस से बचाने के लिए 30,000 वैक्सीन लगाने की बात कर रहा है। चलिए अब हम आपको इस निकम्मे अफसर के इस खोखले दावे का सच भी बता देते हैं। दरअसल आंकड़ों की बात करें तो उन्नाव में कुल 270 गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 18,441 गौवंश बंद हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि गौशालाओं में सिर्फ 18,441 गौवंश बंद हैं, तो साहब 30,000 वैक्सीन लगाने का दावा कैसे कर रहे हैं? यूपी न्यूज के कैमरे में कैद हुए इस निकम्मे अफसर के झूठ से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्नाव में गौवंशों के लिए ये निकम्मा अफसर किसी यमराज से कम नहीं है। लंपी वायरस के नाम पर झूठी आंकड़ेबाजी का खेल खेलने वाले ऐसे निकम्मे अफसरों की वजह से न जाने कितने ही गौवंश अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब जिलों में गौवंशों के लिए यमराज बनकर बैठे ऐसे अफसर मौजूद हैं, तो गौवंशों की सुरक्षा का संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना कैसे साकार होगा? तो हमने LSD का वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज़।